हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको लेकर चलते हैं पटवाओं की हवेली जो कि स्थित है जैसलमेर में। दोस्तों पटवाओं की हवेली जैसलमेर में एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान है, यहाँ पर देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग यहाँ देखने आते हैं। दोस्तों पटवाओं की हवेली की खास बात यह है कि क्योंकि ये एक हवेली नहीं है, ये 5 हवेलियों से मिलकर बनी हुई है जो इसी के भीतर बनी हुई है। यह कोठी 1805 ईस्वी में गुमान चंद पटवा द्वारा बनाया गया था, जो एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। कहा जाता है कि वो सोने और चांदी के धागे का व्यापार करते थे और साथ में ही वो अफीम की तस्करी करते थे, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। दोस्तों इन हवेलियों के भीतर जो ये एंट्री गेट लगा हुआ है, इसकी अपनी अलग खासियत है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो जितने भी गेट हैं सब अलग अलग हवेली में, यहाँ पे अंदर जा रहे हैं जो घूमने ये भैया अंदर ये घड़ी रखी हुई है उस समय की, देख सकते हैं आप। ये है टेलीफोन, ये देखिए जो सामान यूज होता था उस समय में, टेलीफोन, वॉच और ग्रामोफोन भी है। वाह, देखा कभी आपने ऐसा? ये फैन था भाई उस समय में, ये देखिए ग्रामोफोन भी देखा। कम आ जाओ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कितने तरह के ताले हैं, सोच देख सकते हैं कि ये उस समय ताले यूज होते थे, कितने बड़े बड़े ताले हैं। ये ताला देखा आपने, इसको तोड़ने में कितना लगता होगा? ये देखिए हर तरह का ताला आपको यहाँ पर मिलेगा। इधर देखिए ये इनका बेड, गजब, देखा है कभी तुमने सब ऐसा? ये तिजोरी, ये ग्रामोफोन, ये पालना में जोड़े लालना और साइकिल। वाओ युवा है ना, सुंदर सी साइकिल। हाँ ये यहाँ पे कपड़े हैं सब, आयरन था उसमें भी, सिलाई मशीन की तो छोटी सी है। पे रानी बैठ के यहाँ श्रृंगार करती थी, तुम्हें यहाँ अगर छोड़ दिया जाए एक रात, तुम्हें यहाँ रुकने के लिए रोक दिया जाए क्या करोगे? रुक सकती हो इस हवेली में एक दिन, कूदना पड़ जाएगा तुम्हें। अब अपन देख रहे हैं लेडीज पार्लर, लेडीज का मारवाड़ी में जो श्रृंगार होता है। ये दीवारों पर देख सकते हैं, ये नक्काशी देख सकते हैं, ये 16 श्रृंगार की नक्काशी करवाई गई है दीवार पे। भाई लगता था कि जरूर किसी अमीर की कोठी है, इतने बड़े व्यापारी की कोठी, कितना ज्यादा उन्होंने काम कराया है दीवालों पे, छत पे। भाई उस समय का ये सारे बर्तन, वो पंखा चलता था यहाँ पे, ये पुराना आइस बॉक्स, ये यहाँ बैठे खाना खाते थे। दोस्तों ये हवेली सोने की जैसी दिखने वाली है, और यहाँ पे जो पटवा रहा करते थे उन्हें जब कुछ समय में जिसमें कुछ घाटा हुआ तो वो यहाँ से छोड़ के चले गए ये हवेली केयर टेकिंग के देखे, और कुछ दिन बाद जो केयर टेकर्स थे वही यहाँ के मालिक बन गए। ये है उस समय से सितार है, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो उसमें बजाए जाते थे, पता है युवा? ये सारे वीणा है, ये बजाया जाता था, अभी भी बजाया जाता है राजस्थान में, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं सारे, इसको बजाया करते, ऐसे ऐसे बजाते थे इसको। तो यहाँ पे जो इस रूम में जो रखा है सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आप देख सकते हो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूरी हवेली में, हर एक कोने में कुछ ना कुछ पुरानी यादें रखी गई हैं सजो के। मज़ा आ रहा है देख के, क्योंकि ये सब यहीं मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलने वाला।
देखिए पिछले की टेक्नोलॉजी, उस समय की टेक्नोलॉजी। हाँ वेंटिलेशन हर जगह था। इतनी ऊंचाई पे ये, यहाँ पे भैया चौपाल होती थी, देख सकते हैं गेम रखा हुआ है जिसमें कौरवों ने, शकुनी मामा ने खासकर जिस तरह से हराया था पांडवों को, वही वाला गेम है ये। ये सुबह बैठा देखा करते थे लोग। ये दोस्तों एक एस्ट्रोलैब है जहाँ आप देख सकते हैं ग्लोब जैसी चीजें रखी हुई हैं। तो दोस्तों पटौक हवेली का टूर यहीं खत्म होता है और हम अब निकल पड़ते हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं सेंट ड्यूज में जहाँ हमारे कॉटेज में वेट कर रहा है। सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो के लिए वेट करें।